वहीं इस विद्युत कार्यालय के विद्युत चोरी में लिप्त पाए जाने और यहां ओल्ड मीटर के पाए जाने के मामले में विभाग के सक्षम अधिकारी सुनील कुमार से UP24 न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की, तो देखिए क्या था उनका कहना। यही हमारे साथ विद्युत विभाग के एक सक्षम अधिकारी सुनील कुमार जी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या है ये 1974 का जो मीटर या ओल्ड मीटर जो लगा हुआ है, क्या मामला है उसका, जबकि पूरे तरीके से बिजली चोरी पर लगाम के लिए जो पूरे फिरोजाबाद शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा जा रहे हैं और सिर्फ चोरी पर लगाम कसने के लिए। वहीं बात अगर विद्युत विभाग की, जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे कैमरे पर मैंने दिखाया उस चीज़ को कि यहाँ पर डायरेक्ट केबल पड़ी हुई है और दिन में भी लाइटिंग बल्ब और CFL या रॉड है, दिन में भी लाइटिंग जल रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका कोई बिल नहीं है, कोई बिल का भुगतान विभाग को नहीं करना पड़ रहा है। और इसके बारे में बात करते हैं सुनील जी से, क्या उनका कहना है। जी, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर सन अगस्त महीने का 1974 का एक मीटर ओल्ड मीटर लगा हुआ है, जबकि विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर ज्यादातर लगवा दिए गए हैं और आज भी प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की लग रही है सिर्फ चोरी पर लगाम कसने के। हाँ, यस। तो ये जो मीटर ओल्ड मीटर लगा हुआ है इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, विद्युत विभाग में जो ये बहुत पुराना मीटर है, पहले ज़माने में पहले विद्युत विभाग में भी मीटर लगते थे, लेकिन विद्युत विभाग में नॉर्मली जो हम लोगों की बिलिंग होती है वो फ्लैट रेट पे होती है, डायरेक्ट कनेक्शन के अकॉर्डिंगली उसमें रेट निर्धारित हैं। जैसे हमारे घर का परिसर हो या हमारे जो ऑफिस मतलब स्टाफ का हो, उसके लिए मीटर अभी तक नहीं लगते आए हैं, लेकिन एनर्जी कैलकुलेशन पर्पस से हम लोग ये मीटर फिर भी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। मीटर नहीं लगते आए हैं, लेकिन विद्युत विभाग में जितनी भी बिजली की खपत हो रही है, जितना लोड बिजली का है, दिन में भी CFL चल रही है, इस तरीके की, तो कहाँ बिजली यहाँ का जो बिजली की जो खपत हो रही है उसका बिल किस तरीके से भुगतान राजस्व को हो रहा है, विद्युत विभाग को हो रहा है, इसके कौन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो अगर कोई भी, चाहे मेरा ऑफिस हो चाहे कोई भी हो, चाहे भले ही भुगतान भी करता हो, तब भी अगर वो बिजली की खपत फालतू करता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि हम इस विभाग को देख रहे हैं और अभी लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अभी हम चेकिंग करके कि भाई आखिर जब ज़रूरत नहीं है, चाहे भले ही हम भुगतान कर रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोयले से बनाई जाती बिजली है और इसमें पानी का भी ज़रूरत होती है। आज हमें ऊर्जा बचत करनी है, जब हम ही ऊर्जा बचत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो डिवीजन में आपके ऊपर की तरफ मैंने देखा, दिन का टाइम है और काफी लाइटें पूरे तरीके से, ऐसा कोई रूम नहीं है, नीचे या ऊपर देखा जाए तो लाइट वहां पर नहीं है। क्या माना जा सकता है कि सिर्फ इस वजह से कि बिजली विभाग को भुगतान नहीं करना पड़ा रहा, बिजली विभाग से डायरेक्ट लाइट चल रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी आप मेरे ही कमरे में देखें तो कम से कम 2 ट्यूबलाइट या 3 ट्यूबलाइट जल रही है इस समय, आपको देख रहे होंगे। लेकिन अब मेरी भी आंखें जो है, मैं भी 54 साल की एज हो गई, उतनी आंखें मेरी भी नहीं, तो अब आवश्यकता के अनुसार, आपको आवश्यकता है इसलिए आप जला रहे हैं, तो अगर आवश्यकता नहीं है और इस तरह से जला रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है, और इस मैटर को अभी हम संज्ञान में लेते हुए इस पर तुरंत ही आगे के लिए एक्शन कर देंगे। कम से कम गलत चीज़ों को वो ना करें, ये कोई ऊर्जा बचत करना हम सबका, जब हम एक स्लोगन और कहते हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं कि ऊर्जा बचत करो, और कहीं हम ही नहीं ऊर्जा बचत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत गलत हैं। उस चीज़ को अभी हम देख के इसको हम कराएंगे। मीटर की जहाँ तक स्पष्ट स्थिति एक कि मीटर हमारे यहाँ विभाग में अभी लगने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी क्या मीटर ना लगने के बाद भी ऊर्जा बचत करना हम सबका कर्तव्य है। मैं थोड़ा एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, मेरा जो मोटो है जानकारी का, सिर्फ ये है कि विद्युत विभाग में जितनी भी बिजली खर्च हो रही है उसका भुगतान कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो सिस्टम। एक्चुअली इसका पूरे हम लोग मंथ के बेसिस, वैसे पूरे साल का एक साथ एसेस्ड बिल बनाया जाता है कि इस विभाग में मेरे यहाँ पान लो 50 किलोवाट का एक कनेक्शन, जो लोड कनेक्टेड के अनुसार एक एसेस्ड बिल बनता है, जिसका मार्च में जाके एडजस्टमेंट होता है कि इतना हमने विद्युत विभाग का ऊर्जा खपत के कारण हमने मतलब बिल उपयोग करिए। हाँ, और वो हमारे उसमें एज ए रेवेन्यू बाद में ऐड किया जाता है कि हमने इतने की ऊर्जा, वो हमारे खर्चे में शामिल होता है, तो लेकिन उस तो वो होता एसेस्ड आधार पे ही है अभी तक, लेकिन उसको भी उसमें ये भी नहीं है कि हम एसेस, अगर हम चाहें तो मीटर लगवा के भी ये काम कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर विभाग द्वारा यहाँ मीटर लगवा दिया जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब विभाग को एक एक चीज़ पर सख्ती, विभाग कस्टमरों को उपभोक्ता जो फिरोजाबाद के हैं उनके लिए सख्ती बता रहा है कि वो सख्ती विभाग की अपने खुद कार्य के लिए नहीं है।
नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रोविजन है उसमें मीटर लगने का प्रोविजन डायरेक्ट नहीं है, चाहे तो हम लगवा सकते हैं। और वो तो आपने चीज की हमारे यहाँ जो यहाँ एक मीटर लगाए आप ये जो सब स्टेशन आप जो इन जो ट्रांसफार्मर लगाए ना उससे ही हम ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जो 1974 का पहले डिवीजन वाइज मीटर लगे हुए थे वो अलग अलग डिवीजन लगे हुए थे, इसीलिए मैकेनिकल मीटर किसी ने उधर की तरफ अंदर की तरफ देखा भी नहीं कौन सा लगा हुआ है। चूंकि इस लेबर कॉलोनी में जहां हम लोग बैठते हैं पूरे ऑफिस का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, आप चाहें बाहर जाके उसकी भी बाइट ले लें। नहीं सर, ये तो इतना तो आप मानते हैं कि फिलहाल यहाँ पर मीटर नहीं लगा हुआ डिवीजन में ऊपर की तरफ। ओवरऑल एक मीटर तो है ना, पूरे परिसर का एक मीटर है वो, हमें तो पूरे परिसर की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो परिसर के लिए लगा हुआ है इंडिविजुअल। हमें ये भी देखना है कि मेरे ऑफिस ने कितना खर्च किया, तो उसके लिए आवश्यकता है भले ही मीटर लगवाए ना लगवाए पहले मन बनाना पड़ेगा। अगर मैं एक मीटर लगवा के भी मेरा मन साफ नहीं है और मैं 1000 की जगह 2000 यूनिट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अपने सब सिस्टम को धोखा दे रहा हूँ, अपने बच्चों को धोखा दे रहा हूँ, अपने कंट्री के प्रति कोई भी उसमें लापरवाही है हम सबकी मिल के। तो उसकी चीज के लिए आपने मुझे प्रकाश में लाए, इस चीज को मैं अभी देख लेता हूँ। यहाँ सुनील जी जो यहाँ के विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था और मामला संज्ञान में आया तो ये अपने आप में एक निंदनीय और इसके बारे में पूरी जांच और पूरी तहकीकात की जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे तरीके से गलत हो रहा है। वहीं मीटर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि मीटर डायरेक्ट केबल डली हुई है जो मीटर में से 74 का जो मीटर है उसके बारे में भी उन्होंने बताया और उनको बताया कि हमारा जो मंथली में या ईयर के ईयरली जो भी जो सिस्टम बनता है जितनी भी खपत बिजली की जहाँ विभाग में होती है वो पूरा ईयर के हिसाब से ही उसका भुगतान किया जाता है। UP24 न्यूज़ के लिए राहुल चौहान, फिरोजाबाद। श्री केला देवी सेवा समिति द्वारा शिव पार्वती विवाह के अंतर्गत हिंदू सर्व समाज की कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 16 मार्च 2018 दिन शुक्रवार कलश यात्रा प्रातः 9 बजे से, 17 मार्च 2018 दिन शनिवार शिव पार्वती की कथा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से, 18 मार्च 2018 दिन रविवार हिंदू सर्व समाज की कन्याओं के विवाह का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। स्थान श्री छेल बिहारी एवं श्री रामस्वरूप चक्खन लाल गेस्ट हाउस पेमेश्वर गेट फिरोजाबाद। जो धर्म प्रेमी इस कार्यक्रम में कन्याओं के विवाह हेतु दान देने के इच्छुक हैं तो संपर्क करें अशोक कुमार गुप्ता 9219607491, मुन्नालाल राठौर 8979845418, ओमकार नाथ बाबा 9410661481।